नमस्कार, मैं हूं हरिओम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताजातरीन खबरों के साथ। भवानी मंडी की रिकॉर्ड इंडस्ट्रीज में देर रात 11 बजे से बिजली बंद होने से काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके चलते आज सुबह रिको इंडस्ट्रीज एरिया के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में आज बिजली विभाग के अधिकारियों को बाईपास रामजी चौराहे पर रोककर उन्हें अवगत कराया और कहा कि 11 बजे से क्षेत्र में बिजली नहीं होने से काफी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में कई बार बिना बताए बिजली कट जाती है, जिससे कि हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी मोहनलाल मेघवाल को बाईपास चौराहे पर रोककर उन्हें ज्ञापन दिया गया और अवगत कराया कि जल्द से जल्द हमारी औद्योगिक क्षेत्र की बिजली इकाई शुरू की जाए ताकि हमें नुकसान ना हो। विद्युत विभाग अधिकारी को ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? रिको इंडस्ट्री का कल रात 11:30 बजे 33 KV की केबल में फॉल्ट आने के कारण सप्लाई बंद हो गई है। जो अभी उसका काम चल रहा है, लगभग 2-3 घंटे बाद ही हमको सप्लाई मिलने लगी। मतलब 24 घंटे सारी इंडस्ट्री बंद होगी, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया चक्का जाम हो गया उत्पादन का। और पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे फॉल्ट में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो जाता है। वहाँ जो इक्विपमेंट लग रहे हैं वो सब नकारा है, लाखों रुपये के इक्विपमेंट लगे हुए नकारा है। जितने पदेन अधिकारी हैं सबको कई बार कह चुके हैं, मौखिक रूप से लिखित में दे चुके हैं, एक अलग से ट्रांसफार्मर हमको मुहैया करा दें ताकि ग्रामीण इलाका अलग हो जाए और इंडस्ट्रियल एरिया अलग हो जाए। इस इंडस्ट्रियल एरिया से 60-70 लाख रुपया प्रतिमाह रेवेन्यू मिलती है। आज 31 मार्च में एक आदमी का भी कोई पैसा बकाया नहीं है जी। उसके बावजूद भी हमको जो मूलभूत हमारी सुविधा है जिससे हम उत्पादन कर रहे हैं उससे हमको वंचित किया जा रहा है। अब पता नहीं क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार इस इंडस्ट्रियल एरिया से हो रहा है, आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का जो वितरण तंत्र है वो पूरा ध्वस्त है, यानी ट्रांसफार्मर जमीन पर लटके हुए हैं, 11 KV के तार जगह जगह लटके हुए, लूज तार हैं, खंभे टेढ़े हो रहे हैं, ब्रेकर की हालत ख़राब है। अधिकारी को बोल देते हैं हाँ हो जाएगा, कोई एक छोटा मोटा मैकेनिक आता है वो थोड़ा सा काम चलाऊ काम कर जाता, अगले दिन वापस वही समस्या। मैंने कुल मिलाकर के दिन में 4-5 बार हमको सप्लाई अनइंटरप्टेड रहती है। जो कंटिन्यूस प्रोसेस वाले हैं उनके लिए ये स्लो पाइजन का काम हो रहा है, इसी के लिए हमने आज लिख करके दिया है। 8 दिन में ये व्यवस्थाएँ अगर सुचारू नहीं हुई तो पूरे उद्योग जितने भी उद्योगपति हैं सब अपने लेबर के साथ कोई ना कोई आंदोलन के लिए विवश होंगे, ये हमने लिख के दे दिया है और उसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की रहेगी। हाँ सर, 33 KV का जो आउटडोर वो भ्रष्ट हो गया था तो अभी उसको हमारे पास उपलब्ध भी था, उसको लगा कि इसको 1-2 घंटे में चालू कर देंगे सप्लाई। और इनका सिस्टम हम ऐसा करने जा रहे हैं कि इस लाइन को ओवरहेड कर देंगे जी। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा मानना है कि ये परमानेंट समस्या 33 KV की इनकी जो आउटडोर ब्रस्ट होता है वो समस्या दूर हो जाएगी। और एक व्यवस्था हम ऐसी करने जा रहे हैं कि सारे जितने भी उद्योग वाले हैं उनको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जी। जब भी कोई डिस्टर्बेंस आगा तो इन लोगों को सबको पता पड़ जाएगा कि भाई सप्लाई हम बंद कर रहे हैं, बिना प्री इंफॉर्मेशन के कोई सप्लाई बंद नहीं करेगा, ऐसा कि हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए कल डिस्टर्बेंसा को भी पाबंद कर दिया है और जो भी कोई शटडाउन अगर लेगा तो प्राइवेट आदमी को कोई शटडाउन नहीं देंगे, इसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। सर, आपको 24 घंटे से 11 बजे से विद्युत कट होती है, कहीं ना कहीं उद्योगिक बहुत फर्क पड़ता है उसको भी लेकर, बिजनेस भी वो नहीं, वो रात में ब्रस्ट हो गई थी, रात में तो करना इम्पोसिबल है क्योंकि रात में क्या अभी सरकारी लेबर तो हमारे काम करती नहीं है जी। ये प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर से काम करवाया जाता है, कंपाउंड का काम कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। कब तक सुचारू रूप से चालू? ज्यादा 1-1.5 घंटे में सुचारू बिजली अभी कर देते हैं। राइट टू हेल्थ के विरोध में आज भवानी मंडी के सरकारी डॉक्टर भी 24 घंटे के हड़ताल पर है। लगातार 10 दिनों से राजस्थान सरकार ने आम जनता के लिए स्वार्थ का अधिकार जनता को सौंपा है, जिसमें विधानसभा में बिल पारित होने के बाद बहुत जल्द यह लागू हो जाएगा। ऐसे में निजी अस्पतालों के संचालकों द्वारा 10 दिनों के से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जा रहा है, जिसके चलते आज सरकारी सेवा चिकित्सक भी इनके समर्थन में उतर चुके हैं। आज प्रदेश में काला दिवस के नाम से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में झालावाड़ जिले के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र के में डॉक्टर लग रहे थे उन्हें जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया ताकि इमरजेंसी ओपीडी देख सके। खबर 24 न्यूज की टीम ने जब इसका औचक निरीक्षण किया तो मरीजों से बात कर की तो मरीजों ने कहा कि यह राइट टू हेल्थ बिल हमारे पक्ष में है, ऐसे में डॉक्टर हड़ताल पर है, हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भवानी मंडी के सरकारी अस्पताल में उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर को यहां लगाया गया जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, एक डॉक्टर को इमरजेंसी में मिसरुली से यहां लगाया है।
क्या परेशानी हो रही है? अगर डॉक्टर होते सारे तो आपको देख लेते। परेशानी आ रही ना, ये देख लो इतनी भीड़ भड़कता हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, हो रही परेशानी आ रही है। तो राइट टू हेल्थ के बारे में जानते हो आप? क्या है राइट टू हेल्थ? जो सरकार ला रही है, अपना अधिकार दे रही है, वो तो अच्छे के लिए ला रही है, कोई गलत नहीं ला रही, वो अच्छे के लिए ला रही है। अच्छे के लिए ला रही है, बिल्कुल अच्छे के लिए ला रही है। क्या नाम है आपका? शोभाराम मेघवाल। राइट टू हेल्थ को लेकर जिस तरह से डॉक्टर लोग सारे हड़ताल पर है, एक डॉक्टर है जो इमरजेंसी में लगाया गया है, वो देख रहे हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? परेशानी तो क्या, सब पब्लिक परेशान हो रही है सर, चौमेला झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना खंगार ने धोखाधड़ी करने वाले फरार अभियुक्त ओम प्रकाश बेरा की को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिनांक 14/9/2020 को फरियादी बापूलाल पुत्र प्रभुलाल जाति कहार उम्र 35 साल निवासी मल्लारगंज थाना गंगधार जिला झालावाड़ ने थाना गंगधार पर अभियुक्त ओम प्रकाश बेरा की निवासी खच्चर टोडी थाना मेघनगर मध्य प्रदेश के खिलाफ यूनिटी फाउंडेशन संस्था के द्वारा 1,00,000 रुपये का लोन दिलवाने की बात कहकर महिलाओं से 1,600 रुपये प्रति महिला के हिसाब से कुल 780 फॉर्म जमा करवाए तथा कुल 12,48,000 रुपये एकत्रित कर लोगों से के साथ धोखाधड़ी कर फरार हो गया इत्यादि पर प्रकरण संख्या 219-220 धारा 420-406 में दर्ज किया गया। पिड़ावा थाना क्षेत्र के खेराना गाँव में मंगलवार सुबह खेत पर सिंचाई करते हुए समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई दूधालाल दांगी ने पुलिस को दी जा रिपोर्ट में बताया कि उसका बड़ा भाई बेरुलाल खेत उगी में उगी प्याज की फसल में सिंचाई करने के लिए मोटर पंप चालू कर रहा था, तभी करंट की चपेट में आने से यह वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे लेकर परिजन पिड़ावा चिकित्सालय पहुंचे जहाँ जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपते हुए धारा 174 में मामला दर्ज किया है। शामगढ़ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भाजपा के एक आह्वान पर भाजपा युवा मोर्चा मंदसौर जिला अध्यक्ष सुनील पटेल, श्रीराम मंडल अध्यक्ष धीरज सांघवी, मोर्चा मंडल अध्यक्ष धीरज डबकरा के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले के 18 मंडल केंद्रों पर वाहन रैली निकाली गई। शामगढ़ मंडल अंतर्गत वाहन रैली डिंपल चौराह से प्रारंभ होकर गरोट रोड, शिव हनुमान मंदिर, स्टेशन रोड, सिनेमा रोड, कढ़ाई मोहल्ला, सुहासरा रोड, राजा टोडलमर मार्ग, मेन रोड होते हुए पुनः गांधी चौक बस स्टैंड पहुंची, जहां महाभारती की भव्य महाआरती कर उपस्थित वरिष्ठ नागरिक गणों का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान सत्कार किया गया। मंदसौर 29 मार्च मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने VC के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने मंदसौर जिले द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मंदसौर जिले में जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय और सराहनीय है। मंदसौर जिले में लाडली बहना योजना के संबंध में सुव्यवस्थित संचालन किया है, जिसके चलते इसके लिए बधाई का पात्र हैं। आज मंदसौर जिला कार्य करने में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। मंदसौर जिले ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत अभी तक 35.42% आवेदन दर्ज कर प्रदेश में प्रथम है। इस तरह अभी तक कुल 67,112 आवेदन दर्ज किए हैं, जो कि इतना आवेदन अभी तक किसी जिले ने दर्ज नहीं किए हैं। मंदसौर जिले की कार्य योजना एवं प्लानिंग के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से पूछा। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से कहा कि वे अपनी प्लानिंग तथा कार्य किस तरह से किया है इसके बारे में सभी 51 जिलों को बताएं, जिससे वे भी इसका अनुसरण करें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधू कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधू के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधू मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की
मिठाइयां मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयां मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। मदर्स लैब, ए प्ले स्कूल, द फ्यूचर बिगिंस हियर। एडमिशन ओपन। नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी। बेनिफिट ऑफ आवर क्लासेस, स्मॉल क्लास साइज, लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, डेडिकेट टीचर एंड स्टाफ। 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट। हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422, 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान। चक्की चल रही, कबीर बैठा रोई। दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाओ एक लीरा बना जारा रे बना जारा रे रे आ दूर देश रहा है मामला अब दाओ साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हा गहरी गहरी माह बीन बजाई बन जा रहा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे Thank you.